हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी इस बार क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2024 बोर्ड वाले एग्जाम देने जाना है तो बोर्ड एग्जाम में ये 10 गलतियां भूल कर भी मत करना, वरना नहीं दे पाओगे एग्जाम, नहीं होंगी कापियां चेक, नहीं आ पाएंगे रिजल्ट, फेल कर दिए जाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप सभी लोग इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले आप लोग इस पूरे वीडियो को जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको बोर्ड का कोई भी रूल तरीका नहीं पता होता है, ठीक है, जिसके कारण उनको एग्जाम से वंचित कर दिए जाते हैं या उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया जाता है, ठीक है। देखिए, जो नए स्टूडेंट होते हैं जो बोर्ड एग्जाम देते हैं फर्स्ट टाइम में, उनको ये नहीं पता होता है कि उनको बोर्ड एग्जाम देने जाना है तो उनको अपने साथ साथ क्या लेकर जाना है, ठीक है, क्या क्या लेकर जाना है, उनको एग्जाम हॉल में कैसे रहना है, उनको एग्जाम हॉल में कौन सी जो गलतियां उसको भूल कर भी नहीं करना है, कौन सी उनको सावधानियां बरतनी है जिससे वो एग्जाम अच्छे तरीके से दे पाएंगे, उनके रिजल्ट अच्छे तरीके से आ पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आपको सभी जितने भी रूल है बोर्ड के, ठीक है, और आप सभी को बोर्ड एग्जाम देने जाना है तो आपको क्या गलतियां नहीं करना है जिससे आप सभी लोग, ठीक है, यानी अच्छे तरीके से एग्जाम दे पाओगे, सभी तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को 100% जो है ये तरीका समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे बोर्ड एग्जाम, तो आपको सबसे पहले अपने साथ में एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है, यानी प्रवेश पत्र आप सभी को लेकर जरूर जाना है। अगर आप सभी लोग प्रवेश पत्र लेकर नहीं गए तो आप सभी को एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, आपको वहीं से ही घर लौटा दिया जाएगा, ठीक है, और आप लोग एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड जो है प्रवेश पत्र जिसपे आपका 10 अंकों का रोल नंबर है, उसको आपको जरूर लेकर के जाना है। यानी आपकी एडमिट कार्ड जो है वो इस तरीके से रहेगी। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो एडमिट कार्ड रहेगा प्रवेश पत्र, वो आपके पास 2 एडमिट कार्ड होने चाहिए, ठीक है। एक एडमिट कार्ड जो आपको हाल फिलहाल में मिला है, ठीक है, वो लेकर जाना है जिसपे आपका 10 अंकों का रोल नंबर है, ठीक है, और एक एडमिट कार्ड जो आपके पास रहेगा वो विदाउट रोल नंबर रहेगा, ठीक है, यानी उसपे रोल नंबर नहीं रहेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट रहेंगे। और ये आप सभी को 9th क्लास में ही जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, ठीक है, तभी आप सभी को रजिस्ट्रेशन के समय ये विदाउट रोल नंबर के एडमिट कार्ड मिले होते हैं। आपको ये दोनों रोल नंबर और विदाउट रोल नंबर एडमिट कार्ड को लेकर के आप सभी को जाना है, ठीक है, और जो आपका रोल नंबर वाला एडमिट कार्ड रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे एक स्टूडेंट का है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका अनुक्रमांक लिखा रहेगा, और एक रहेगा जिसपे ये अनुक्रमांक नहीं लिखा रहेगा, तो आपको दोनों एडमिट कार्ड को लेना है, ठीक है। और जैसे ये इस बार हो गया, और एक एडमिट कार्ड जो आपको 9th में मिला है रजिस्ट्रेशन के समय, आपको आपके इसके इधर, ठीक है, सीधा रखकर, यानी आमने सामने ऐसे रखकर के आपको इसमें क्या करना है, ऐसे स्टेपल यहाँ पे कर देना है, स्टेपलर कर देना है, ठीक है, और आपको ये दोनों एडमिट कार्ड लेकर के एग्जाम देने जाना है, तभी आप लोग एग्जाम दे पाओगे। अगर आप लोग एग्जाम नहीं दे पाओगे और आपको एग्जाम देने भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो ये चीजें आप सभी को अपने पास लेकर के जाना है। और जिस दिन आप सभी लोग एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, एग्जाम में काम आने वाले सभी हथियार आप सभी को, यानी जितने भी उपकरण है, अपने साथ लेकर के जाना है। एग्जाम्पल, 2 पेन आपको लेकर जाना है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग 2 पेन ले लीजिएगा। आपके पास एक ब्लू पेन होनी चाहिए, यानी आपके पास 2 ब्लू पेन होनी चाहिए और 1 ब्लैक पेन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिये, 2 ब्लू पेन आपको क्यों लेना है, क्योंकि अगर आप सभी का 1 पेन एग्जाम में रुक गया, ठीक है, तो आपको किसी दूसरे से पेन मांगने की कोई भी रूल नहीं है, ठीक है, आपको दूसरे फ्रेंड से, दोस्त से जो है पेन नहीं मांगना है बोर्ड एग्जाम में। इसलिए अगर आपकी पेन रुक जाएगी तो आप लोग नहीं लिख पाओगे, इसलिए आपको अपने साथ में 2 ब्लू पेन लेकर के जाना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 स्केच होना चाहिए, यानी आप लोग स्केच भी लेकर जाइएगा, 2 ऐसा ब्लैक वाला स्केच आपको 2 लेकर के जाना है। इसके साथ ही आप सभी के पास एक स्केल होना चाहिए, और ये स्केल जो है ये बड़ा वाला होना चाहिए, इस तरीके से 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए स्केल, ठीक है, ये बड़ा वाला स्केल, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपियां काफी बड़ी होती है। किस तरीके से होती है आगे आपको हम बताएंगे लास्ट में, दिखाएं।
देखिए नेक्स्ट है कि बोर्ड एग्जाम जिस दिन आप सभी का रहेगा, जब आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आपको जूते मोजे पहनकर बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो जूते मोजे होते हैं वो बोर्ड एग्जाम जब आप लोग देने जाओगे तो ये जूते मोजे जो है वो गेट के बाहर ही निकलवा दिए जाते हैं। और अगर आप लोग ये जूते मोजे पहनकर जाओगे तो हो सकता है आप लोग बोर्ड एग्जाम में, यानी बिना ऐसे ही आप लोग इसी तरीके से बिना कुछ चप्पल उप्पल पहने ही, यानी ऐसे ही आप लोग जूता मोजा निकाल करके ऐसे ही आप लोग एग्जाम आपको देने दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए हो सकता है जहां तक आप कोशिश कीजिए कि जूते मोजे पहनकर आप लोग एग्जाम मत देने जाइएगा, ठीक है। और आप लोग यानी जूते मोजे के बजाय आप लोग सिर्फ चप्पल पहनकर जाइएगा, जैसे कोई भी चप्पल है, हवाई चप्पल नहीं, जैसे सैंडल हो गया, इस तरीके से सैंडल वगैरह, ठीक है, चप्पल वगैरह पहनकर आपको जाइएगा, आप लोग जूते मोजे मत पहनकर जाइए, ठीक है। आपके जो चप्पल है ये नहीं निकलवाए जाएंगे, लेकिन जूते मोजे आपके पहले से ही निकलवा दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें टीचर जो होते हैं उनको शक होता है कि कहीं आप लोग जूते मोजे में जो है नकल लेकर तो नहीं गए हो, इसलिए आपके जूते मोजे, ये एग्जाम का रूल होता है बोर्ड का, निकलवा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि आपका एग्जाम सेंटर चाहे जहां है, ठीक है, आपको एग्जाम सेंटर पर आधे घंटा पहले ही पहुंचना है। अगर आप लोग आधे घंटा पहले पहुंचोगे तो आपकी जो घबराहट है वो बहुत ही कम रहेगी, यानी आपको घबराहट महसूस नहीं होगी, ठीक है। और आप लोग जल्दीबाजी में पहुंचने की कोशिश नहीं करोगे कि नहीं हम इतने समय पर निकले, यानी 10 मिनट पहले बोर्ड एग्जाम है और हम मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा, मुझे बहुत जल्दी जल्दी जाना है तभी हम एग्जाम सेंटर पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप सभी को यानी कि अगर आप लोग जल्दी निकल जाओगे, आधे घंटे पहले निकल जाओगे तो आपको हड़बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए जहां हड़बड़ी रहेगी वही गड़बड़ी होता है, ठीक है, यानी नो हड़बड़ नो गड़बड़, जहां हड़बड़ वही गड़बड़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से पहले ही आधे घंटा पहले निकल जाना है आप सभी को एग्जाम सेंटर पे। देखिए आपके अंदर घबराहट नहीं होती, आपको किसी भी प्रकार की हड़बड़ी नहीं होती है आपके अंदर, ठीक है। और आप सभी का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी काफी बेस्ट होता है, ठीक है। आप तो देखिए जब आप लोग एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हो, ठीक है, तो देखिए जब आप लोग गेट के पास खड़े रहोगे तो आपका यानी 15 से 20 मिनट में आप सभी को क्या किया जाएगा, आपकी एंट्री होगी, ठीक है, क्लास में। और जैसे ही आप लोग क्लास में जाते हो तो आपको सबसे पहले इस 15 से 20 मिनट में आपको अपना सीट को ढूंढना है, ठीक है, यानी कि आपकी जो सीट है वो कहाँ पे है, आपका नाम और रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे, उसको उससे आप सभी को खोजना है अपना सीट, ठीक है। और आपको अपना नाम रोल नंबर आपका जो ब्रेंच है उस पे चस्पा रहेगा और वहां पे आप सभी को पढ़ करके अच्छे तरीके से ढूंढना है सबसे पहले, ठीक है। और आप सभी के जो यानी कि आपको जैसे ही आप सभी के एंट्री होगा, आपके पास 15 से 20 मिनट जो बचेगा इसमें आप सभी को ये नहीं कि आपको अपने दोस्तों से बात कर लेना है कहाँ पे तुम्हारा गया है कहाँ पे मेरा गया, ये सब चीजें आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी सीट को ढूंढना है, ठीक है, और जहां पर भी आपका सीट मिल जाता है वहां पे आप सभी को बैठना है। और हो सकता है अगर आप सभी लोग अपनी सीट को ढूंढ रहे हो और आपके सीट पे कोई और बैठ गया है, ठीक है, तो आप सभी लोग उससे कह सकते हो कि ये मेरी सीट है आप यहां से हट सकते हो, तो वो आराम से उस सीट से हट जाएगा, ठीक है, और आप लोग बैठ जाओगे। तो इस तरीके से यानी किसी लोग से मिस्टेक हो जाती है जो आपके ही सीट पे बैठ जाते हैं, तो इसलिए आपको कह देना है कि ये मेरी सीट है, ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से पहले सीट को ढूंढ लेना और वहां पे सबसे पहले आपको बैठ जाना है। और जैसे ही आप सभी लोग अपनी सीट पे बैठते हो, ठीक है, तो आपको एग्जाम हॉल में अपने स्थान पे बैठने से पहले आपको स्वयं की तलाशी जरूर कर लेना है, कहीं आपके आसपास कोई चीट पुर्जे तो नहीं है, जैसे कोई स्टूडेंट जो है इस तरीके से नकल लिख के तो नहीं गया है कोई पुर्जे में जो आपके अगल बगल फेंक दिया हो, ठीक है, तो आप सभी को उस चीट पुर्जे अगर आपको मिल रहे हैं तो उसको आप लोग टीचर से कहकर बाहर फेंक सकते हो, ठीक है, यानी आप लोग इन चीट पुर्जे अगर आपके पास मिल गए और आपके जो टीचर है एग्जामिनर आएंगे अगर वो देख लिए तो आपको एग्जाम से वंचित कर देंगे और आप सभी लोग को फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग जहां पर भी बैठो पहले आप लोग उसका तलाशी कर लो, तभी आप सभी लोग अच्छे तरीके से, ठीक है, वहां पे बैठकर एग्जाम दीजिए। और जब आप लोग अच्छे तरीके से बैठ जाओगे और टाइम हो जाएगा एग्जाम का तो बेल लगेगी, ठीक है। जैसे ही बेल लगेगी सबसे पहले आपको टीचर कॉपी और पेपर देते हैं, ठीक है, तो आप सभी को तुरंत लिखना प्रारंभ कॉपी में नहीं कर देना है, ठीक है, तो आपको तुरंत लिखना प्रारंभ नहीं करना है, आपको क्या करना है सबसे पहले तो पेपर में आपको इन सब चीजों को सबसे पहले ध्यान से देखना है, ठीक है, यानी कि जो आपकी बोर्ड की कॉपी है उसमें आपको ध्यान से देखना है कि उसमें जो सब्जेक्ट का ऑप्शन है वो दिया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे आप सभी का यहाँ पे आपका हाई स्कूल, ठीक है,
यहाँ पे ये हाई स्कूल के आपकी बोर्ड की असली वाली कॉपी है। इसमें जैसे यहाँ पे देखिए विषय की ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया है, रोल नंबर और अनुक्रमांक का ऑप्शन ऐसे दिया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट की इसमें इस तरीके से आपको ये सब चीजों का बिल्कुल ध्यान से देख लेना है इन सब चीजों को, ठीक है। और कॉपी आप सभी को पूरा पलट करके देखना है कि कॉपी जो आपकी बोर्ड की है वो कहीं पर भी फटा तो नहीं है अंदर। अगर फटा है तो आप लोग उसको तुरंत चेंज कर दीजिए, ठीक है। कॉपी में आप सभी के जो रोल नंबर है वो अच्छे तरीके से छपे हैं या नहीं छपे हैं, ठीक है। जो प्रिंट है वो एकदम अच्छे तरीके से है कि नहीं, इन सब चीजों को आप लोग बहुत ही ध्यान से पहले कॉपी पेपर मिलेगा तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जैसे आप सभी का पेपर हो गया तो सभी क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से आपको पेपर में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पेपर में अच्छे तरीके से नहीं छपे क्वेश्चन तो आपको दूसरे से पूछने की जो है इजाजत नहीं दिया जाएगा कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, हमारा थोड़ा सा मिट गया है, तुम बता दो, ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना है, यानी आपको इसको अगर नहीं छपा अच्छे तरीके से तो आप लोग अपने जो आपकी क्लास टीचर उस समय रहेंगे उससे आप सभी लोग कहकर, ठीक है, उसको फेर सकते हो, यानी उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो है आपको पूरा पलट करके देख लेना है कहीं उसमें कोई ऐसा पेज तो नहीं है जो बिल्कुल सादा है, उस पे लाइनिंग वगैरह नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीजें मिल रहे तो आपको उसको तुरंत चेंज कर देना है, आपको अच्छे जो है पेपर और अच्छे कॉपी उसके बदले में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इन सब चीजों को पहले देखना है, तभी आप सभी को कॉपी को भरना है और तभी आपको कॉपी में लिखना प्रारंभ करना है। और इसी बीच आप सभी के टीचर आएंगे आप सभी के क्लास में, ठीक है, और वो आप सभी के अटेंडेंस लेंगे, यानी आप सभी की जो उपस्थिति हाजिरी है उसको लेंगे। तो जब आप सभी के टीचर आप सभी के अटेंडेंस लेंगे तो आपको 100% जो है पूरा ध्यान आपको अटेंडेंस पे देना है। क्योंकि देखिए बाद में जो है जब कॉपी आपकी चेक होती है तो उस समय आप सभी के जो अनुपस्थिति और उपस्थिति है इसको देखा जाता है, ठीक है। अगर आप सभी की जैसे बाय चांस आपकी कॉपियां जो है खो गई, ठीक है, तो आप सभी के जो आप लोग के अटेंडेंस होंगे जो उस समय की रजिस्टर रहेगा उसमें क्या है कि आपकी अनुपस्थिति दर्ज की गई रहेगी, ठीक है। अगर आप सभी की कॉपियां कहीं पर भी खो जाती है और आप लोग एग्जाम दिए हो तो ये पूरा जिम्मेदारी जो है वो बोर्ड लेता है अपने ऊपर देता है, ठीक है। अगर आपकी कॉपियां खो गई तो वो आपकी कॉपियों को ढूंढेगा, ठीक है, पूरा ढूंढेगा, टीम उसकी ढूंढेगी और आप सभी की कॉपियां चेक होंगी और आपके जो है आपको नंबर दिए जाएंगे और आपके रिजल्ट बनेंगे। तो इसलिए आप सभी को क्या करना है, 100% जब अटेंडेंस होगा तो समय 100% आपको अटेंडेंस पे देना, अपनी अटेंडेंस की आपको वेट करना है। जब आपके अटेंडेंस आपके नंबर आते हैं तो उस समय आपको अपनी अटेंडेंस को बोलना है, ठीक है। देखिए आप सभी को पेपर देने के लिए आपके पास आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय, ठीक है, जिसमें से यानी कि सबसे पहले जो ये 15 मिनट है आप सभी को पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। तो आपको सबसे पहले की पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ना है और पेपर में जो भी प्रश्न आपको आता है, ठीक है, सबसे पहले जो अच्छे तरीके से आता है प्रश्न उसको सबसे पहले आपको चिन्हित कर लेना। अगर आप सभी के पास पेंसिल है, ठीक है, तो आप लोग पेंसिल से आप लोग ऐसे टिक पेंसिल से लगाना है, पेन से नहीं, ठीक है, आपको ऐसे टिक लगा देना है अपने पेपर में। लगा भी सकते हो नहीं लगा सकते हो, जैसा आप सभी के, यानी अगर आपको याद है कि मुझे यही क्वेश्चन आ रहे बाकी के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप लोग टिक मत लगाएगा। अगर आपको नहीं याद हो रहे तो आपको ऐसे जो आ रहा है उस पर ऐसे सही की टिक लगा देना और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर ऐसे आपको गोले की ऐसे टिक गोला लगा देना, ठीक है। यानी जैसे कोई तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, तो अगर दूसरा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर आप सभी को जैसे पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है दूसरा आ रहा है तो आप लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन पे ऐसे सही लगा दो, पहले वाले पे ऐसे गोले का टिक लगा दो, ठीक है। तो और आपको क्या करना है, अगर पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है दूसरा भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तीसरा आ रहा है तो आपको तीसरे क्वेश्चन को ही उसका आंसर लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या यानी आपको जो भी प्रश्न है उसका नंबर ऐसे लिख करके तभी आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना प्रारंभ करना है। अगर ऐसे अगर आप लोग लिखोगे ना तभी एग्जामिनर को पहचान में आएगा कि आप लोग किस क्वेश्चन के आंसर लिखे हो जिसे आपको एग्जामिनर नंबर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखे रहोगे प्रश्नोत्तर संख्या तो एग्जामिनर भी नहीं समझ पाएगा कि आप लोग किसका आंसर लिखे हो जिससे आपको वहां पे 0 नंबर मिल सकते हैं। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। और आप सभी को जो क्वेश्चन आ रहा है अच्छे तरीके से, जिसका आंसर आपको बिल्कुल 100% याद है, सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, उस पे आपको अपने समय नष्ट नहीं करना है। और आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग टोटल 365 दिन के आपकी पूरी मेहनत रहती है, जिसमें आप सभी लोग यानी 365 दिन में आपके जो घंटे होंगे वो 8,700 ठीक है 60 घंटे होंगे, जो आपकी पूरी मेहनत है। तो आपको ये जो 365 दिन की पूरी आपकी मेहनत है, जिसमें आपकी 8,760 घंटे की पूरी मेहनत है, ये आपके 3 घंटे 15 मिनट में पूरा आप सभी को इसमें ठीक है हल करना है। यानी पूरा आप सभी को ये मेहनत आपको 3 घंटे 15 मिनट में पूरा आपको सॉल्व करना है, दिखाना है, ठीक है। तो आप लोग इस 3 घंटे 15 मिनट में आप लोग कितना परफेक्ट तरीके से आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लिखोगे कि आप सभी का जो जितना आप लोगों ने मेहनत किए हो उसका आपका अच्छे तरीके से कीमत मिल सके, ठीक है, यानी आपके अच्छे रिजल्ट आ पाएंगे। आप लोग इतने अच्छे तरीके से आप सभी को वहां पे एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, जिससे आप लोग यानी जितना हो सके बेहतर से बेहतर आप सभी लोग वहां पे प्रेजेंटेशन कीजिएगा, जिससे आपका जो प्रेजेंटेशन करने की तरीका होगी वो बहुत ही परफेक्ट तरीका होनी चाहिए, जिससे आपके रिजल्ट अच्छे तरीके से आ पाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप लोग एग्जाम दोगे ना, तो एग्जाम के बीच बीच में ही बैच आ जाते हैं, ठीक है, यानी जो बैच चेक करने वाले आ जाते हैं, एक तरीके से टीचर होते हैं वो चेक करने वाले आते हैं, ठीक है। तो जब एग्जामिनर यानी कि जब बैच आएंगे, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत होकर के अपना जो भी चीजें आप लोग लिख रहे हो उसको आपको लिखना है, ठीक है। आप सभी को बैच को नहीं देखना, अगर आप सभी लोग बैच को देखने लगोगे तो बैच को लगेगा कि आप सभी लोग नकल कर रहे थे, ठीक है, इसलिए आप लोग हमें देख रहे हो कि कहीं ये इधर उधर चला जाए तो हम अच्छे तरीके से नकल कर ले, जिसके कारण बैच जो है आप सभी को एग्जाम से बाहर कर सकते, ठीक है, आप सभी को एग्जाम से वंचित कर सकते या आपको फेल कर सकते, रिस्ट्रिकेट कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है ताका झाकी नहीं करना है बैच को, आपको अपना शांत होकर बिल्कुल जो काम कर रहे हो, ठीक है, आपको उसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऐसे लिखना प्रारंभ करते ही रहना है, जिससे बैच जो है उसको लगे ना कि आप लोग नकल कर रहे हो। नहीं तो अगर आप लोग नकल भी नहीं कर रहे हो ना, अगर आप लोग जो बैच है उसको ताका झाकी करोगे तो वो आपको फेल कर देगा। तो इसलिए आपको ये सब चीजों का ध्यान में रखना। और जब आप सभी लोग एग्जाम दे दोगे, ठीक है, जब यानी आप लोग पूरा एग्जाम आप लोग दे दिए, आपका जो बेल लग गया, तो आपको ये ध्यान में रखना है सबसे पहले कि आपको अपनी कॉपियों को जमा करना है, ठीक है। कॉपियों को जमा करने के बाद आप सभी लोग को जो आप लोग अपने साथ एडमिट कार्ड लेकर गए थे, ठीक है, वो आप सभी को एडमिट कार्ड को ले लेना है, कहीं ये ना हो जाए कि आपके एडमिट कार्ड आपके ब्रेंच पे ही जो है छूट जाए, ठीक है, ये आप सभी को नहीं करना है। आपको पहले ध्यान से अपनी एडमिट कार्ड जो है अपने साथ जो भी चीजें आप लोग लेकर गए थे उसको आप लोग जहां पे एग्जाम देकर देने बैठे थे, ठीक है, एग्जाम दिए हो बैठकर, वहां से आप लोग को अपनी उन सभी चीजों को ले लेना है जो आप लोग अपने साथ लेकर गए थे, एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है। और जैसे आप सभी को जितने भी आप लोगों ने पेन लेकर गया था उसको आपको अपने साथ ले लेना है, कहीं ये ना हो जाए कि आप लोगों ने 3 पेन लेकर गया था, ठीक है, और आप सभी लोग ने क्या किया कि वहां से सिर्फ 1 पेन ही लिया, बाकी 2 पेन आपके उसी ब्रेंच पर ही सो रही है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जितने भी पेन आप लोग लेकर गए हो उसको आप लोग, ठीक है, आप लोग पैसे से खरीदे हो इसलिए आप लोग उस पेन की इज्जत कीजिए, उस पेन को आप लोग ले लीजिए, ठीक है, आपका पेन वहां पे नहीं छूटना चाहिए। और जब आप सभी का यानी आप लोग पूरे तरीके से सभी चीजें आप लोगों ने ले लिया, तो आपको देखिए जब निकलना है क्लास से तो आपको बहुत ही धीरे धीरे निकलना है, ज्यादा आपको जल्दीबाजी में नहीं निकलना है, ज्यादा घबरा कर आपको नहीं निकलना है, ठीक है। नहीं तो देखिए अगर आप लोग जल्दीबाजी में निकलोगे तो हो सकता है आप किसी ब्रेंच से टकरा जाए, किसी दोस्त से टकरा जाए या कोई स्टूडेंट से टकरा जाओ, ठीक है, और आपको हो सकता है चोट भी लग सकती है, आप गिर भी सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग आप लोग एग्जाम जब दीजिएगा, ठीक है, यानी पूरा एग्जाम पीरियड में आप लोग कहीं पर भी ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे आप सभी को कोई चोट लगे या आप लोग को कोई नुकसान हो, ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रहना है। और ये और आपको ये नहीं कि आप लोग एग्जाम देकर निकले और एग्जाम उसी में भीड़ लगा हुआ है और जल्दी जल्दी में आप लोग अपने दोस्तों से बतियाने के लिए जल्दी जल्दी निकल रहे हो और आप लोग उसी जगह गिर जाए तो आपको चोट लग सकती है, ठीक है। और आपको ये नहीं कि निकले बस तुरंत आप लोग अपने दोस्तों से फ्रेंड से बात करने लगे कि ये मैंने पहले क्वेश्चन को किया, मैंने इतने क्वेश्चन किया, इतने क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, ये सब चीजें आपको पहले नहीं बात करना है। सबसे पहले ध्यान से आपको अपनी क्लास से, ठीक है, गेट के बाहर तक निकल जाना है, तब आपको कोई भी चीजें कहना है और दोस्तों से बात करनी है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, एग्जाम देने के बाद इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप लोग 2024 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी को इन सब चीजों को, जितने भी चीजें हम यहाँ पे बताए, आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तभी आप सभी के कॉपियां चेक हो पाएंगी, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, तभी आप सभी के अच्छे रिजल्ट जो है आ पाएंगे। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।